What's up stylist? Welcome to Make My Style. आज का वीडियो प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो है, इसलिए आपको एक कटिंग कॉम और एक कटिंग सीजर, कोई भी कटिंग सीजर साथ में रखना होगा ताकि वीडियो देखते देखते ही आप इसे ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस कर सको। ये वीडियो में हम देखने वाले सीजर होल्डिंग टेक्निक्स। नाउ सीजर होल्डिंग इतना बेसिक, मतलब आप सबको लग रहा होगा कि सीजर लेना है और ऐसे ऐसे तो काटना होता है, हमें कुछ एडवांस सीखना है, एकदम एडवांस। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बेसिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे बेसिक्स ही एडवांस है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है सो आप एडवांस ठीक से कभी नहीं कर पाओगे। और वैसे भी ये टाइम बहुत अच्छा है आपके बेसिक्स रिफ्रेश करने का, चाहे आप ऑलरेडी हेयर स्टाइलिस्ट हो या हेयर स्टाइलिंग सीख रहे हो, हेयर ड्रेसिंग सीख रहे हो, या फिर आपका प्लान है इन फ्यूचर हेयर ड्रेसिंग सीखने का। अगर ये आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आगे का कोई भी कट्स, कोई भी चीज़ सीखने में बहुत आसानी होगी और आप लुक एंड लर्न कर सकते हो इजीली, स्पेशली एडवांस हेयर कट्स के। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी सीजर्स यूज कर सकते हो, एक्सपेंसिव वाले मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अगर ये गिर गए सो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे वाले सीजर आते हैं, ये एक्चुअल में 99 to 200 रुपीज़ के बीच में आते हैं, माइक्रो टूथ है और इनसे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सकता है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये वाले सीजर्स आप यूज़ करना स्टार्टिंग में। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है, वो है आपके रिंग फिंगर को पाउडर करना। नाउ पाउडर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप प्रैक्टिस काफ़ी देर तक कर सकते हो, घंटों तक कर सकते हो, थोड़ा बहुत पसीने आ सकता है, उंगली पर रैशेस आ सकते हैं, सो पाउडर से ये नहीं आएंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। नाउ बैक टू बेसिक्स। अभी आप सबको मालूम है कि हम जो सीजर है वो मिडिल फिंगर से नहीं पकड़ते, इससे कंट्रोल नहीं आता है, इसलिए हम क्या करते हैं रिंग फिंगर जो है वो एक होल में इंसर्ट करते हैं और ध्यान रखते हैं कि सीजर जो है ये चारों उंगलियों से स्टेबल रहे। जो हमारा थंब है वो बस एक ब्लेड को ओपन और क्लोज करने का ही काम करेगा। सो आप सब ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि एक ही ब्लेड ओपन हो और बाद में जो है आपका जो सीजर है वो स्टेबल रहे, सिर्फ चार उंगलियों के मदद से, आपको थंब की ज़रूरत ना पड़े सीजर को पकड़ने के लिए। सो ऐसे आप ओपनिंग क्लोजिंग का प्रैक्टिस करते हो, लेकिन इसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आप ओपनिंग क्लोजिंग कर रहे हो सो ये जो एंगल है ये एंगल नहीं बनना चाहिए। अगर आपका ब्रिस्ट ऐसा है, आप यहाँ पे उंगली लगाओ, यहाँ पे आपको स्ट्रेस महसूस होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेन महसूस होगा। सो ये स्ट्रेन को हटाने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, जो है आपके ब्रिस्ट को सीधा करना और इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप ऐसे ही ब्रिस्ट के एंगल से हेयर ड्रेसिंग करोगे तो आपका करियर फॉर श्योर ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। सो इसे एलिमिनेट करने के लिए आपको कोम की ज़रूरत होगी। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आप कोम को अपने ब्रिस्ट के ऊपर ऐसे रख देना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हैंड, जो हाथ का जो एलिवेशन है, जो भी मसल्स रिक्वायर्ड है वो ट्रेन भी हो गए और कितना एलिवेट करना है ताकि आप इजीली हेयर ड्रेसिंग कर सको और ये जो ओपनिंग क्लोजिंग का जो टेक्निक है उसे प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आप इसे बांध भी सकते हो कोई चीज़ से और फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है लॉकिंग। नाउ लॉकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे पकड़ोगे या फिर लॉक नहीं करोगे सो आप क्लाइंट को भी मार सकते हो, खुद को भी मार सकते हो। प्लस अगर आप ऐसे पकड़ रहे हो, कोम कर रहे हो शूट्स पे, जल्दी जल्दी में काम कर रहे हो, थोड़ा सा सीजर खुल गया और ऐसे ही आप कोम करते करते अपने बाल उड़ा दिए तो आप सबसे पहली फ्लाइट में घर भेज दिए जाओगे और उसके बाद आपको कभी काम नहीं मिलेगा। सो लॉकिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको रेगुलरली प्रैक्टिस भी करना चाहिए जब तक आपको मास्टरी नहीं आ जाती। सो लॉकिंग दो टाइप के होते हैं, दो टाइप से आप कर सकते हो। पहला वाला ये है, सो इसमें आप ये दो फिंगर्स का यूज करते हो, एक फिंगर से फ्लिक करके लॉक किया और उसी फिंगर से फ्लिक करके अनलॉक कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज है और आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा है जो आउटसाइड लॉक बोलते हैं, आउट लॉक बोलते हैं। सो इसके अंदर आप इन नहीं करते हो, बस आपके ब्रिस्ट को फ्लिक करके अंदर लॉक कर देते हो और बाहर से ही वापस अनलॉक करते हो, और आप ये दो लॉकिंग का मिक्सचर भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं इन करता हूँ और फिर वापस आउट से फ्लिक करता हूँ। सो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हम वापस ब्लेड के ओपनिंग क्लोजिंग पोजिशन पे आ जाएंगे। नाउ आपको ये प्रैक्टिस करना है, इसके साथ आपको
और दो अलग पोजिशंस प्रैक्टिस करने हैं। आप आपके फिंगर में तीन अलग पार्ट्स देखते हो, राइट? सो अभी हमें ये जो सीजर है ये अंदर के साइड और बाहर के साइड दोनों जगह प्रैक्टिस करना है। नाउ अंदर का साइड जो है वो आपको पैरेलल या फिर पॉइंट कटिंग जो आप करते हो, डीप पैरेलल पॉइंट कटिंग, इसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको शोल्डर जो है बहुत ऊपर अननेचुरल पोजीशन में नहीं लेके जाना पड़ेगा। और ये वाला जो है ये आपको स्लाइसिंग स्लाइडिंग इसमें बहुत हेल्प करेगा। इसलिए आपको तीनों एंगल में प्रैक्टिस करनी है। इसकी वजह से आपका जो थंब मूवमेंट है वो कंफर्टेबल हो जाएगा और नए नए हेयर कट सीखने में आपको आसानी होगी। अभी और एक चैलेंजिंग पोजीशन आता है जो कि मेंस हेयर ड्रेसिंग में या फिर शॉर्ट हेयर कट्स में आता है, वो है ब्रिस्ट को। एक तो आपको टेढ़ा करना पड़ेगा वो कट करने के लिए, या फिर आपको शोल्डर बहुत हाई लेके जाना पड़ेगा। लॉन्ग हेयर में आप कोम करके बाल ऊपर लेके जाते हो, नीचे लाते हो, फिर कट करते हो, लेकिन शॉर्ट हेयर में ओवर डायरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर बाल छोटे हैं तो उनको नीचे लेके भी नहीं आ सकते। सो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, सो आप जो सीजर होल्ड करते हो इसको बस फ्रंट में लेके जाना है। इंडेक्स फिंगर को पिविट पॉइंट पर रखना है, जो यहाँ पे स्क्रू है इसके ऊपर रखना है, और बाद में थंब को थोड़ा सा ही डालना है अंदर, पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही। ओके, सो आपका पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगा, और उसके बाद आपका शोल्डर भी नेचुरल पोजीशन में रहेगा जो कि 90 डिग्रीज, और फिर आप जो है आपके बाल इजीली कट कर सकते हो कुछ इस तरह से, और आपका कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा रहता है पोजीशन में। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ये वाला है, इसके अंदर आपका विश तो सीधा है बट उतना कंट्रोल नहीं, आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा। सो आप क्या कर सकते हो, ये वाले पोजिशन को प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे। और ये लास्ट पोजीशन और काफ़ी क्रूशल पोजीशन है। ये पोजीशन तब भी यूज़ करते हैं जब आप स्कैल्प के या स्किन के बहुत ज़्यादा क्लोजली काम कर रहे हो, जैसे कि हेयर लाइन या फिर शॉर्ट बैंक्स कट कर रहे हो, आईब्रोज कट कर रहे हो, बियर्ड कट कर रहे हो, या फिर आपने फेड्स किए और फेड में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करना है सीजर से तब। और उसके लिए आपका जो सीजर पे कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो सीरियस इंजरी हो सकती है। सो आप नॉर्मली सीजर को ऐसे नहीं पकड़ोगे, वो इसमें आपका जो स्मॉल फिंगर है, पिंकी फिंगर है, वो जाएगा रिंग के अंदर। ये दो फिंगर से आप सीजर को टाइटली होल्ड करोगे, थंब जाएगा थोड़ा सा अंदर और पिविट पॉइंट पे आपका इंडेक्स फिंगर। सो इससे जो है अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और बाद में दूसरे हाथ का जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो जाएगा टिप के ऊपर, और उसके बाद आप जो है बैंक्स में स्लाइटली पॉइंट कटिंग कर सकते हो या फिर जो भी डिटेलिंग करना है कर सकते हो। इसके वजह से इंजुरीज आप अवॉइड कर सकते हो। प्लस अगर आप बीएड्स कर रहे हो या फिर हेयरलाइन के पास लेके जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इसमें, और इस वजह से क्लाइंट भी थोड़ा सेफ फील करेगा और आप भी सेफ फील करोगे। हम जो है हम बहुत सारे वायर्स, ड्रायर्स और आयरन के वायर्स उसके साथ काम कर सकते हैं, और कभी भी हम ट्रिप हो सकते हैं। और अगर गलती से आप शिफ्ट पे काम कर रहे हो, दूसरे कंट्री में काम कर रहे हो और आप हर्ट कर देते हो तो जेल भी हो सकती है। सो ये जो टेक्निक है इसे भी प्रैक्टिस करना और जो भी आपका हेयर ड्रेसिंग करियर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताए हैं आई होप आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, और ये भी आप कमेंट करो कि ये जो कोल्ड ब्राउन या फिर मेटल ब्राउन जो कलर मैंने अभी किया है वो आपको कैसा लगा। टिल देन गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।